हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम रिवॉल्विंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी। मैंने पार्टिकल गोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द डायमीटर देन। तो जैसे एक तो सर्कल पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक सर्कल है इस तरह से। तो इस सर्कल में मान लो कि जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल अभी मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है वी, और ये डायमीटर के दूसरे एंड पे चला जाता है यहाँ पर। अभी भी स्पीड वी है क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड वी है, ओके। तो इस जगह पर देखो कि मोमेंटम जो है वो कितना होगा, इस जगह पर मोमेंटम कितना होगा, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोमेंटम को डायरेक्शन से मतलब है। तो सपोज करो कि जो ये डायरेक्शन है इसको बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब कि ये वाला, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा ना, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा वो। तो इसकी जो मोमेंटम यहाँ पर आएगी ये हम लोग को देगी फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू होगा प्लस एम वी, और इनिशियल मोमेंटम जो शुरुआत में होगा वो इस वाले से आएगा दैट माइनस ऑफ एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी, ये हो जाएगा प्लस टू एम वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चेंज इन मोमेंटम हो गया वो हो गया प्लस टू एम वी। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस केस में हमारा सही ऑप्शन होगा। ए जो है वो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू।